हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मौसमी भट्टाचार्य फ्रॉम शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 14 मुहावरे समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का प्रथम खंड। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास, मगर हिंदी में इस शब्द का प्रयोग उस वाक्यांश के लिए किया जाता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो। जैसे भारतीय जन सब धर्मों को एक आँख से देखते हैं। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं, यानी वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं, तो एक आंख से देखना मतलब एक आंख बंद करके एक ही आंख से देखना, दोनों आंखों से नहीं देखना। परंतु अगर मुहावरे को देखा जाए तो यहां पर इसका अर्थ होता है कि समान भाव से देखना, यानी हर एक को एक समान मानना। तो कभी कभी हम बात करते समय सीधे अर्थों में बात न करके लाक्षणिक अर्थ लेते हैं। तो जब हम लाक्षणिक अर्थ ले रहे हैं तो वहां पर हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुहावरों का शाब्दिक अर्थ न लेकर लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। मुहावरे भाषा में जान डालते हैं एवं हमारी बात को अधिक अर्थपूर्ण एवं असरदार बनाते हैं। पाठ में दिए गए कुछ मुहावरे और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। मुहावरों को उनके अर्थों के साथ याद करें, क्योंकि जब तक आप मुहावरों के अर्थ को स्पष्ट रूप से नहीं समझेंगे तब तक आप उसका सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मुहावरे एवं उनके अर्थ इस प्रकार है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना अर्थात लज्जित होना। इसका उदाहरण देखिए, जब मोहन की उत्साह से दी गई सलाह पर किसी ने भी ध्यान न दिया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। आगे भी पाठ में कई मुहावरे एवं उनके अर्थ दिए गए हैं जो इस प्रकार है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना। अंगारे उगलना अर्थात क्रोध में कठोर वचन बोलना। आंखें बिछाना अर्थात बहुत आदर सम्मान करना। अंगूठा दिखाना अर्थात समय पड़ने पर मना कर देना। अंग अंग मुस्काना अर्थात अति प्रसन्न होना। आड़े हाथों लेना अर्थात खरी खोटी सुनाना। आंखें तरसना अर्थात किसी को देखने की तीव्र इच्छा होना। आंखें खुलना अर्थात होश आना। आंखें उठाना अर्थात बुरी दृष्टि डालना। आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा। आग बबूला होना अर्थात बहुत क्रोध करना। आस्तीन का सांप अर्थात कपटी मित्र। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात दुष्ट की दुष्टता से बढ़कर दुष्टता करना। उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना। एक ही थैले के चट्टे बट्टे अर्थात एक जैसे। कमर कसना अर्थात तैयार होना। कान कतरना अर्थात बढ़ चढ़कर बात करना। कांटे बिछाना अर्थात बाधा डालना। कोल्हू का बैल अर्थात दिन रात काम में जुटे रहना। खून का घूंट पीकर रह जाना अर्थात गुस्सा सहन कर लेना। कठपुतली बनना अर्थात दूसरों के इशारे पर चलना। गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात बीती बातों को ले बैठना। गांठ बांधना अर्थात अच्छी तरह याद रखना।
गुड़ गोबर करना अर्थात बात बिगड़ जाना, घाव पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी को और दुखी करने वाली बात कहना, चिराग लेकर ढूंढना अर्थात कठिनाई से मिलना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना अर्थात शर्म महसूस करना, चिकना घड़ा अर्थात किसी बात का असर न होना। प्रत्येक मुहावरे को उसके अर्थों के साथ याद करें एवं समझें। हमारे पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के आगे की व्याख्या द्वितीय खंड में की जाएगी। धन्यवाद।